केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए प्रशिक्षुओं ने संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मौके पर सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक और सीआरपीएफ अकादमी के निदेशक पंकज कुमार, विशेष महानिदेशक एसएन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। अकादमी के निदेशक पंकज कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और देश की आंतरिक सुरक्षा में इन अधिकारियों के योगदान और इनके महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षु अधिकारियों ने संघ लोक सेवा आयोग की सीएपीएफ 2018 परीक्षा को उत्तीर्ण करके सीआरपीएफ ज्वाइन किया। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल 52 सप्ताह का है, 52 वीक्स का है। इनका प्रशिक्षण 25 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुआ तथा वर्तमान में 34वां सप्ताह प्रगति पर है। प्रशिक्षु अधिकारियों के इस बैच में 15 राज्यों से कुल 43 अधिकारी हैं, जिनमें 5 महिला अधिकारी भी हैं। इसमें 6 पोस्ट ग्रेजुएट, 37 ग्रेजुएट, 31 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 2 लॉ ग्रेजुएट हैं। यह इस बैच की औसत आयु 26 वर्ष की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में इन प्रशिक्षु अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्य पालन और आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताया। इस बेच के अंदर 31 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 विधि स्थानक है। इस स्तर के सभी लोग जिनको और सेवाओं में भी लाभ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने चयन करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को देश की सेवा के लिए यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए सहमति दी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस बेच के अंदर भी 5 महिलाएं अधिकारी हैं और 5 बटालियन महिलाओं की ऑलरेडी इसमें काम कर रही है। और देश के हर हिस्से के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे रणकच्छ का इलाका हो, किसी ज़माने में चाइना बॉर्डर पर भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस हो, नक्सली जैसे अति संवेदनशील इलाके के अंदर आपकी सेवाएं रहती हैं। भारत की संसद के अंदर संवैधानिक रूप से अधिकार दिया है जनप्रतिनिधि को कि वो अपने क्षेत्र के अभावों, समस्याओं की अभिव्यक्ति कर सके, कानून बनाने में अपना सक्रिय योगदान दे सके। और देश के कभी भी कोई गंभीर विषय होते हैं, उन गंभीर विषय पर चर्चा कर सके। ये भारत की संसद के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीके से होता है। और अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग राजनीतिक, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दृष्टिकोण, उसके बाद भी जब कभी देश का सवाल आता है, तो मैंने संसद में कई मौके देखे कि सभी राजनीतिक विचारधाराएं और दल के लोग एक साथ देश के साथ खड़े रहते हैं। हमारी भारत की जनता इतनी संवेदनशील है कि पुलवामा हमले के बाद पूरे देश की जनता को लगा कि ये जो जवान शहीद हुआ है वह हमारा बेटा है, हमारा भाई है। इस तरीके की लोगों की सहानुभूति आपके प्रति रहती है, ये भी इस देश के अंदर ही एक संवेदना का प्रकट नजर आता है। इस औपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात के बाद प्रशिक्षु अधिकारी दीपाली ने लोकसभा अध्यक्ष का आभार प्रकट किया। जिस प्रकार आजादी पश्चात देश के एकीकरण से लेकर
13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले को अपने प्राणों की आहुति देकर विफल करने का सीआरपीएफ लोकतंत्र की रक्षा और इसे सुदृढ़ करने में देशवासियों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। उस उच्च परंपरा को कायम रखते हुए हम भारत भूमि को सिरमौर बनाएंगे। अधिकारियों की तरफ से श्रद्धावंत होकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए इन पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से विशेष महानिदेशक SN श्रीवास्तव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को स्मृति चिन्ह भेंट किया।